हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है एमटी। एमटी की फुल फॉर्म है मोबाइल टेक्नोलॉजीज। चैप्टर फर्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइलिटी। तो मोबाइलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन तो आजकल सभी करते हैं। तो मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? मोबाइल कम्युनिकेशन होता है जैसे हम एक जगह पे बैठे हैं, हम किसी पे फ़ोन कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, वो किसी दूसरी जगह पे बैठा है, किसी दूसरी लोकेशन पे बैठा है, तो उसको हम मोबाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो हमारे मोबाइल हैं आजकल, वो बिना केबल्स के हैं, जिसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। चाहे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने पे बैठे हैं, जिससे हमने बात करना है वो किसी और कंट्री में बैठा है, तो हम उससे आराम से बात कर सकते हैं, आराम से चैट कर सकते हैं, आराम से मैसेज कर सकते हैं। तो मोबाइल काम कैसे करता है? मोबाइल जो फ़ोन है वो सेलुलर नेटवर्क पे काम करता है। जो सेलुलर नेटवर्क है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जो हमारा ये सेलुलर नेटवर्क है वो कैसे बनता है? जो हमारा सेलुलर नेटवर्क है वो टावर से बनता है। टावर को हम बेस स्टेशन बोलते हैं। जैसे हम सिम लेते हैं, एयरटेल का लेते हैं, वोडाफोन का लेते हैं, जियो का लेते हैं, तो हर किसी के टावर होते हैं। आपने देखा ही होगा, आपको हर एरिया में कई टावर्स मिलेंगे। तो वो टावर्स मोबाइल फोन्स के लिए ही लगे होते हैं, ताकि वो मोबाइल फोन्स को सिग्नल दे सकें। तो जो हमारे बेस स्टेशन है वो हमारे फोन्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और बेस स्टेशन के अंदर दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, ट्रांसमीटर की भी और रिसीवर की भी। ट्रांसमीटर में जैसे हम किसी को फ़ोन करना चाहते हैं, किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम भेज सकते हैं। अगर हमें कोई वर्ल्ड में कोई दूसरी जगह बैठा है, कोई किसी दूसरी लोकेशन पे बैठा है, किसी दूसरी सिटी पे बैठा है, अगर वो हमें कोई मैसेज भेजना चाहता है और हमसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, तो उसका मैसेज भी हमारे तक पहुँच जाएगा। तो हमारा जो बेस स्टेशन होता है, इसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। अब जैसे ये हमने बेस स्टेशन और सेल्स बना रखे हैं। सेल्स हैं हमारा एरिया, जैसे एक सेक्टर हो गया किसी भी सिटी का, ये बेस। सेकंड सेल किसी दूसरी सेक्टर का सेल हो गया, और ये बेस स्टेशन एक एरिया का बेस स्टेशन हो गया, ये किसी दूसरे एरिया का बेस स्टेशन हो गया। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तभी हमारे पास मैसेज आते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं फोन पे, और हम कॉल कर सकते हैं। तो जो हमारा मोबाइल फोन है वो सेलुलर नेटवर्क पे काम करता है। जो बेस स्टेशन कनेक्ट करता है सैटेलाइट से। जब सैटेलाइट्स और बेस स्टेशन दोनों में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो हम किसी को भी फोन कर सकते हैं और हमें कोई भी कॉल कर सकता है। मोबाइल फोन कनेक्ट टू ए सेलुलर नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशन। बेस स्टेशन कनेक्ट टू सैटेलाइट्स। बोथ नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड, देन अलाउ एनी फोन इन द वर्ल्ड टू बी डायल्ड। यूबीक्यूटियस कंप्यूटिंग क्या होती है? यूबीक्यूटियस कंप्यूटिंग ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का। पहले क्या होता था, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही बड़ी थी। जैसे जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, जिसको हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक नहीं लेके जाते थे। फिर उसके बाद हमारे LCDs आए, फिर उसके बाद हमारी LEDs वगैरह आई, तो उसको भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते थे। तो उसके बाद टैब्स आए, iPad आए, जिसको हम
लेके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते थे। लैपटॉप्स आए, उसको भी हम इजी कैरी कर सकते थे। तो ऐसी ही कोई कंप्यूटिंग जो हमारे काम को आसान करे, जिसको हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी लेके जा सकें, किसी भी लोकेशन पे लेके जा सकते। और आजकल तो वैसे ही मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में हमारा सारा काम हो जाता है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जिसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकें, किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकें। तो आजकल जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो भी ऐसी ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम फेसबुक लेते हैं, ट्विटर लेते हैं, तो उसको हम किसी भी फ़ोन में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे के फ़ोन पे अपनी फेसबुक, अपना एक ट्विटर अकाउंट चलाना चाहें तो हम वो भी चला सकते हैं। हमें सिर्फ एक अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। तो ये यूबीक्यूटियस कंप्यूटिंग, हम इसी को ही बोलते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आजकल हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जिसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन में यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटिंग इज मेड टू अपेयर एनी टाइम एंड एवरीवेयर, यू एनी डिवाइस, एनी लोकेशन एंड एनी फॉर्मेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 5-6 कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी काम के लिए। जैसे इन्होंने कोई आप फाइल वगैरह शेयर करनी है तो ये आराम से एक दूसरे को फाइल वगैरह शेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ कम्युनिकेट ईच अदर टू परफॉर्म अ टास्क। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो हमने कंप्यूटर्स ले रखे हैं, ये सब एक दूसरे को से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कुछ फाइल, कुछ डाटा इस कंप्यूटर से इसको चाहिए तो वो दे सकता है, इस कंप्यूटर से इसको चाहिए तो वो दे सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सर्वर के ऊपर रन करता है और ये सारा डाटा मैनेज करता है उसकी एप्लीकेशन, ताकि उस डाटा को कोई भी हैक ना कर सके। उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उसको ये मैनेज करता है। जैसे अब हमारे पास एग्जांपल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 5-6 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंप्यूटर है उसमें ही प्रिंटर लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा? तो वो जो हमारा लास्ट वाला कंप्यूटर है वो कमांड देगा, अपने कंप्यूटर से भी मुझे ये वाली फाइल का प्रिंट चाहिए। तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपना प्रिंटर से अपनी आउटपुट निकलवा सकता है थ्रू द नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेज डाटा, एप्लीकेशन, ग्रुप, यूजर एंड अदर नेटवर्क फंक्शनैलिटी, अलाउ टू शेयर फाइल्स अमंग मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लैन पे काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। जहाँ पे लैन होती है वहीं पे ही हमारी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 5-6 कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी काम के लिए। जैसे इन्होंने कोई आप फाइल वगैरह शेयर करनी है तो ये आराम से एक दूसरे को फाइल वगैरह शेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ कम्युनिकेट ईच अदर टू परफॉर्म अ टास्क। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो हमने कंप्यूटर्स ले रखे हैं ये सब एक दूसरे को से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कुछ फाइल कुछ डाटा इस कंप्यूटर से इसको चाहिए तो वो दे सकता है, इस कंप्यूटर से इसको चाहिए तो वो दे सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सर्वर के ऊपर रन करता है और ये सारा डाटा मैनेज करता है उसकी एप्लीकेशन, ताकि उस डाटा को कोई भी हैक ना कर सके। उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उसको ये मैनेज करता है। जैसे अब हमारे पास एग्जांपल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 5-6 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंप्यूटर है उसमें ही प्रिंटर लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा? तो वो जो हमारा लास्ट वाला कंप्यूटर है वो कमांड देगा, अपने कंप्यूटर से भी मुझे ये वाली फाइल का प्रिंट चाहिए। तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपना प्रिंटर से अपनी आउटपुट निकलवा सकता है कि थ्रू द नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेज डाटा एप्लीकेशन ग्रुप यूजर एंड अदर नेटवर्क फंक्शनैलिटी, अलाउ टू शेयर फाइल्स अमंग मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लैन पे काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। जहाँ पे लैन होती है वहीं पे ही हमारी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। चैप्टर 2 ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ओवरव्यू। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। सबसे पहले क्या होता था, जो हमारे फोन्स होते थे ना सिर्फ एनालॉग फॉर्म में होते थे, सिर्फ जो हमारा वॉइस का डाटा था वो ही फोन के थ्रू किसी दूसरी जगह पे जा सकता था। जब से हमारे पास जीएसएम आया है तब से हमारा फोन डिजिटल हो गया है। तो तब से हम अपने जो हमारे एसएमएस होते हैं एमएमएस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक हम पहुंचा सकते हैं। जब हमारा फोन सिर्फ वॉइस एक्सचेंज करता था उस टाइम हमारा फोन 1 generation तक था, लेकिन उसके बाद जब से जीएसएम आया है तब से हमारा फोन 2G और 3G generation हो गया है। तब से हमारे पास 2G और 3G आ गया है। आज के टाइम पे 4G भी है और 5G भी है। तो जीएसएम है वो 4G को भी सपोर्ट करता है और वो 5G को भी सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले ये डेवलप हुआ था फिनलैंड में इन दिसंबर 1991 में। ये वर्क करता है टीडीएम में। टीडीएम की फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। इसमें क्या होता है, इसमें स्लोट्स बनते हैं, इतना डाटा पहले जाएगा फिर दूसरा डाटा
इतने टाइम में जाएगा, तीसरा डाटा इतने टाइम में जाएगा। तो TDM से हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, जो हम पता ही होगा, जैसे हम बात करते हैं तो हम एनालॉग फॉर्म में बात करते हैं, हमारा फोन मोबाइलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, मोबाइलिटी मैनेजमेंट ध्यान रखता है, जैसे हम कोई भी किसी को कॉल करते हैं, किसी को कोई SMS करते हैं, कोई भी अगर हम कोई भी फोन सर्विस यूज करते हैं, तो वो जब हम किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पे जैसे हमें रोमिंग लगती है, तो वहाँ पे भी जो सारी हमें जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो हमें पूरी मिलनी चाहिए उस दूसरी स्टेट में ही। जहाँ पे देखो क्या होता है, जब जैसे अब हम पंजाब के रहते हैं तो हमारे पास पंजाब का सिम होता है, जो सिम होता है वो हम अपनी ID पे लेते हैं, अपने आधार कार्ड पे लेते हैं, अपने परमानेंट एड्रेस पे लेते हैं। जब हम दूसरी लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम एक तरह से एक विजिटर की तरह होते हैं, एक मेहमान की तरह होते हैं। जब हम दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे भी सब कुछ, जो भी हमारी फ़ोन में सर्विस होती है, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमें सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। तो उसका जो ट्रैक है, उसका ध्यान हमारा मोबाइलिटी मैनेजमेंट रखता है, ताकि हम किसी और स्टेट में जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी हमारे मैसेजेस वगैरह होते हैं, हमें रोमिंग पड़ रही है, या फिर हमारे पास कोई डाटा वगैरह नहीं है, तो हमें वो सब चीज़ों का ध्यान हमारा मोबाइलिटी मैनेजमेंट रखता है। मोबाइलिटी मैनेजमेंट इज टू ट्रैक द सब्सक्राइबर आर अलोइंग कॉल्स, SMS एंड अदर फोन सर्विस टू बी डिलीवर दैम इन डिफरेंट लोकेशन। नेटवर्क सिग्नलिंग, हम नेटवर्क सिग्नलिंग किसको कहते हैं? जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं, जैसे हम एक लोकेशन पे बैठे हैं, हम जिसको फ़ोन मिला रहे हैं वो दूसरे लोकेशन में है, तो उनके बीच में हमारे सिग्नल जाते हैं, तो वो सिग्नल जब वो सिग्नल मिलते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल्स को रिसीव करने में, ट्रांसफ़र करने में, और जो उनके बीच में जो भी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे हम किसी को कॉल कर रहे हैं, चाहे हम किसी को कोई ऑडियो सेंड कर रहे हैं, चाहे हम किसी को वीडियो सेंड कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो हमारी यूज़फुल है, तो वो नेटवर्क के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, तो उसको हम नेटवर्क सिग्नलिंग बोलते हैं। सिग्नलिंग पाथवेज कम टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स। नेटवर्क्स आर रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल बट आल्सो प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जब हम किसी को भी फोन करते हैं, वो किसी भी लोकेशन में होता है, तो हमारे उस टाइम सिग्नल भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और उस टाइम पे हमें बहुत तरह के नेटवर्क्स भी मिलते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हमें सिर्फ एक टाइप का नेटवर्क होता है, लेकिन हमें उस टाइम बहुत तरह के नेटवर्क होते हैं, तो वो उन एक तरह से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क तक अपनी बात पहुंचानी होती है, अपना काम पहुंचाना होता है, तो ये सारा काम हमारा नेटवर्क सिग्नलिंग करता है। GPRS क्या होता है? GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। GPRS हमारे इंटरनेट की थर्ड जनरेशन है। जब हमारे पास GPRS आया था तो हम हमेशा ऑनलाइन रहने लग गए थे, इंटरनेट हमारे लिए बहुत इजी हो गया था, हर किसी के फ़ोन में अवेलेबल हो गया था, तो GPRS हम थर्ड जनरेशन को कहते हैं। ये वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन पे कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, और जब ये हमारे पास आया था तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी बहुत इजी हो गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो मीटिंग बहुत इजीली हो जाती थी GPRS से। GPRS थर्ड जनरेशन जब हमारे पास आई तो जैसे हम फ़ोन पे इंटरनेट बहुत इजीली यूज़ करने लग गए थे,
और जैसे हम आपको जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फोन पे इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ये सब कुछ थर्ड जनरेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। GPRS इज अ थर्ड जनरेशन स्टेप टुवर्ड इंटरनेट एक्सेस। GPRS इज बेस्ड वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन सर्विस। GPRS अलाउ यूजर टू टेक पार्ट इन वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो मीटिंग एंड इंटरैक्ट विद मल्टीमीडिया वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन यूजिंग मोबाइल डिवाइस। CDMA की फुल फॉर्म है कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये एक 3G की ही टेक्नोलॉजी है, जैसे हम इसमें एक मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब हमने एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है एट ए सेम टाइम, तो इसमें हमारा CDMA काम करता है। एग्जाम्पल है, जैसे एक पर्सन ने 3-4 पर्सन को मैसेज करना है एट अ सेम टाइम, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो जो हमारा डाटा है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होना चाहिए हर किसी के पास, बीच में कॉलिजन नहीं होना चाहिए, बीच में कोई एरर नहीं आना चाहिए। उसमें हमारा CDMA काम करता है और CDMA ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू GSM। CDMA इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ मल्टीपल एक्सेस वेयर सेवरल ट्रांसमीटर्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। CDMA इज ए मोर सिक्योर। चैप्टर 3 मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क्स। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिस पे हमारा इंटरनेट काम करता है। तो मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो यूज़र को एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पे सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे एग्जांपल है, हम आज पंजाब में हैं, हमारे पास जो सिम है वो पंजाब का है, हमारा परमानेंट एड्रेस है वो पंजाब का है। जब हम किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, तो हमें वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विस जो हमारे फ़ोन में होती हैं वो सब कुछ हमें वहाँ पे भी मिलना चाहिए। वहाँ पे भी हमारा जो व्हाट्सएप है जो इंटरनेट के बेस पे होता है वो वहाँ पे भी चलना चाहिए। वहाँ पे भी हमारा जो हमने कुछ सर्च करना है, कोई मेल खोलनी है, कोई जीमेल खोलना है, कोई yahoo.com खोलना है, तो वहाँ पे भी हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए बिना किसी कनेक्शन ख़त्म होने के लिए। वहाँ पे भी जो हमारी इंटरनेट की सुविधाएं हैं वो हमें सब कुछ मिलना चाहिए हमारे मोबाइल के थ्रू। उसको हम ये काम हमारा मोबाइल IP करता है। मोबाइल IP इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ द यूज़र टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। द कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू विदाउट यूज़र सेशन और कनेक्शन बींग ड्रॉप्ड। The transfer of information to and from mobile computers and still access and communicate with even through the mobile computer home network.